अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जी आँख, यानी अख का पंजाबी में अख कहते हैं, उर्दू में आँख का आँख यानी ये पौधा है। अब इसका एक आसान सा तरीका मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ। ये पौधा अच्छी तरह देख लें, ये जंगलों में बेशुमार है, बाहर मिल जाता है गांव से बाहर, और ये अक्सर ये आम पौधा है। ये मैं नुस्खा बताने वाला हूँ जी मिर्गी का। मिर्गी एक नहायत ही खौफनाक मर्ज है। जब इसका दौरा पड़ता है तो मरीज़ को कोई सुध बुध नहीं रहती। बाज़ उकार तो इसका पखाना वगैरह यानी पेशाब और पखाना इसी में हालत में निकल जाता है, और इसको इस दौरे में कोई होश आश नहीं रहती, बेहोश रहता। अब इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। और ये आसान तरीका ये है कि भाई जब एक घंटा रह जाए ना दिन का रात होने में, तो आपने ऐसे करना है, जिसको ये मर्ज है उसके तलवों यानी कि पाँव के तलवों के नीचे यानी कि इसका दूध वगैरह आपने उसके पाँव के लगाना है, ये दूध इसका निकलना शुरू होगा तलवों में। इसका दूध लगाएं और शाह मिर्च काली लें, उसे पीस लें, और इसके पत्ते लें, पत्तों पर वो शाह मिर्च लगाएं, और उसके तलवों में या बांधें या उसके तलवों पर लगाएं दो दो पत्ते दोनों पाँव के। इसके बाद को मोज़े वगैरह पहन लें, मोज़े पहनकर ये यानी कि सो जाए, या मोज़े पहन ही रखे, या जो भी ये काम कर रहा है, रात को तो इसने सोना ही सोना है, ऐसी हालत में सो जाए। और ये हर रोज़ इसी ने इस तरह ही करना है, इस बंदे ने जिसको ये मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये बंदा इसी तरह करे। इसने करना है 40 दिन रोज़ाना, यानी पत्ते जो ख़राब हो जाएं उसकी जगह फिर वही उसी वक्त एक घंटा शाम का रह जाए, और फिर इसने वही पत्ते ताज़ा यानी कि दो दो पत्ते पाँव के तलवों के नीचे रखने हैं, और पाँव के तलवों में यानी कि ये इसका दूध लगाना है। मुसलसल इस तरह करते रहें, 40 दिन के बाद ये दौरे ख़त्म, बिल्कुल बीमारी दूर, अल्लाह शफा देगा, कोई मसला नहीं इसे होगा। ये आसान सा तरीका है दोस्तों, ये हर बंदा कर सकता है जिसको ये बीमारी है, और अल्लाह मेहरबान होगा, इंशाल्लाह काम आपका हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। नुस्खा सादा है और इस्तेमाल करें।